गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। मींस हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर रेशनल और इरेशनल नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है, देखिए चाहे वो रेशनल नंबर की हो चाहे इरेशनल नंबर हो, और होती क्या डेसिमल एक्सपेंशन ये देखते हैं। सपोज डेसिमल का मतलब क्या है कि अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, कोई दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में जाके एक टाइम पे ऐसा आता है कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, तो हम क्या कहते हैं, डेसिमल लगाते हैं क्वोशेंट के अंदर और वहाँ से रिमाइंडर में जीरो लगाते हैं और फिर उसके बाद अपना डिवीजन आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 5/2 है, मीन्स 5 को अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो किस तरह से डिवाइड करेंगे हम, 5 को 2 से डिवाइड किया हमने, 2 × 4 सबट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अब आगे डिवीजन हो ही सकता है क्योंकि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से लेस है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने डेसिमल अप्लाई किया और डेसिमल से 0 यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया और डिवाइड करने के बाद आंसर कितना है 2.5। ये 2.5 जो है, तो 2.5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/2, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट ऑब्टेन होगा हमें उसे बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। और एग्जांपल जैसे देखिए स्टूडेंट, आपको डिवाइड करना है 10/4, 10 को 4 से डिवाइड करना है, देखिए किस तरह से करेंगे आप, 4 × 2 = 8 सबट्रैक्ट किया तो कितना आया 2। अब यहाँ पे भी डिवाइड वो सिंबल नहीं है, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, 0, डेसिमल आया है यहाँ पे 0, और 4 × 5 = 20, तो ये 2.5 आई, क्या हो गई इस रेशनल नंबर की, या इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के लिए और इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप कितनी होती है, कितने कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमें ऑब्टेन कब हुई है, जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया है। अब अगर डिवीजन में हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है, या तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कम्प्लीट डिवाइड नहीं होने का मतलब कि लास्ट में रिमाइंडर जीरो नहीं आए, दो केस यहाँ पे बनेंगे, एक केस तो ये हो जाएगा जब आपका रिमाइंडर जीरो के इक्वल है, और दूसरा केस क्या है, जब रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल और कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है नंबर या डिविजन, तो उस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर वो है व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है कि डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन कंप्लीट, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट का मतलब वो चीज कंप्लीट होने के बाद हम किसी चीज को रोक देते हैं, या बोल सकते हैं हमें डिवीजन स्टॉप। स्टॉप कब होगी कोई चीज, जब हम उसे कंप्लीट कर देंगे तभी तो वो चीज तो स्टॉप होती है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिवीजन कंप्लीट या डिवीजन स्टॉप, एक ही बात, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर उस केस में जीरो आएगा। देखिए एग्जांपल, सपोज आपके पास है 17/2 कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 17 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 × 8 = कितना आया यहाँ पर 16, सबट्रैक्ट करने पे आंसर बन, अब डिवाइड तो हो नहीं सकता आगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल से 1 0 यहाँ पे राइट कर, 2 × 5 = कितना आ गया स्टूडेंट्स 10, रिमाइंडर देखो लास्ट में 0 आ गया, डिवीजन स्टॉप हो गया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी 8.5, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि डेसिमल ही आएगा आपके पास, बिना डेसिमल की जो एक्सपेंशन होती है उसमें भी तो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा था 18/9 लिख दिया है, तो कितने टाइम पे डिवाइड होगा, 9 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, 9 × 18 कंप्लीट डिवाइड होगा, इसमें तो हमें डेसिमल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 आया इसका आंसर, 2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2.0, बात वही है 2.00 लोगे तो भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ 2.0। तो देखा इस केस में भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल है
या डिवीजन कंप्लीट हो गया है डिवीजन स्टोर। अब इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो क्या होता है देखिए, इसके नेम से क्लियर करेंगे, डिवीजन स्टॉप हो गया है, डिवीजन कंप्लीट हो गया। इस वर्ड स्टॉप का क्या मतलब है? स्टॉप का मतलब है रुकना, और एक दूसरा वर्ड होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। अब यहाँ पर हमारा डिवीजन अगर स्टॉप हो गया तो मैं इसे बोल सकता हूँ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल जो है हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट स्टॉप हो चुका है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है, जिस डिवीजन के अंदर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, चाहे वो डेसिमल अप्लाई करने के बाद आए या डेसिमल अप्लाई नहीं करने के बाद आए, दोनों केस में उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है फ्रेंड। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन लिख एक्सपेंशन राइट करता हूं 4.78 5.01 4.07, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल 15.12345 6। जरूरी है कि 2 डिजिट के बाद ही डिवीजन स्टॉप होगा, यहां पर 6 डिजिट के बाद डिवीजन स्टॉप हुआ है तो वो भी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा। देखिए डिवीजन 0 के इक्वल, सॉरी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस क्या है कि आपका डिवीजन कंप्लीट स्टॉप नहीं हुआ है, कंप्लीट स्टॉप हुआ था हमने इसे क्या बोला था, टर्मिनेटिंग। अब अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए सेकंड हमारा केस क्या है, व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिवीजन नॉट कंप्लीट या बोल सकते हैं नॉट स्टॉप। स्टूडेंट डिवीजन हमारा स्टॉप नहीं हुआ है, यानी डिवीजन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सपोज मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 10/3, तो 10 को हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 3 9 सब्ट्रैक्ट किया तो बना है, अब यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, 10 राइट कीजिए, 3 3 9 फिर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1, अगेन फिर यहाँ से डेसिमल से 0 3 3 9 फिर सब्ट्रैक्ट किया 1, अगेन फिर 0 3 3 9 1 अगेन 0 3 3 9। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बार बार देखिए 1 1 1 ये रिपीट होता चला जा रहा है, या बोल सकते हैं 3 3 3 3 ये इस तरह से रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, यही हमने बोला है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब डिवीजन चलता जाए, कभी भी स्टॉप नहीं होगा, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। अब देखिए अगर डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे, हम जैसे वहां पर डिवीजन स्टॉप हुआ था तो टर्मिनेटिंग का था, यहाँ पे डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवीजन हमारा स्टॉप नहीं हुआ। लेकिन डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, इसमें दो केस हो सकते हैं, एक केस तो क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 1 1 या फिर कोशेंट में कोई एक डिजिट या कोई एक नंबर अगर रिपीट होता है, और सेकंड केस क्या है कि जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रिपीट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर भी हमारे पास आ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो रिपीटिंग नंबर ऑब्टेन हो या फिर दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर ऑब्टेन। अब अगर रिपीटिंग डिजिट हमें क्वेश्चन में या रिपीटिंग नंबर हमें क्वेश्चन में ऑब्टेन होता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये तो फर्स्ट टाइम थी जब आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है, सेकेंड टाइम अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ है। अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग लिख देंगे, रिपीट नहीं कर रहा तो उसे क्या लिख देंगे, नॉन रिपीटिंग। तो ये सेकेंड टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ है और कोई एक वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ है और कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही। तो केस है रिपीटिंग में तो डिजिट रिपीट कर रही है, नॉन रिपीटिंग में डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। ओके स्टूडेंट, अब मैं दोनों के कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ डायरेक्टली डेसिमल एक्सपेंशन, उससे आपको पता चलेगा। अब एक इम्पोर्टेंट रीजन यहाँ पर ये है कि कैसे पता लगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं दो केस लिखता हूँ यहाँ पर 1.412 और एक है 1.412 412। देखिए दोनों में एक डिफरेंस है,
एक तो 412 के बाद यहाँ पर मैंने कोई भी इस तरह का डॉट 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 साइन नहीं लगाया है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, यही डिफरेंस है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो वहाँ पर कोई भी डॉट का साइन हम नहीं लगाएंगे, मतलब आगे डिविजन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी एक्सपेंशन में आपको इस तरह का ये साइन मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद आप चाहे करेंगे रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग लिख देंगे, रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन नेगेटिव, ठीक है। टर्मिनेटिंग में केवल एक ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन, ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि टर्मिनेट करने का मतलब क्या, डिविजन स्ट्रोक, तो रिपीट करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये साइन आएगा और इस साइन का मतलब रिपीट कर रहा है या नहीं रिपीट कर रहा है, वो आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखना होगा, ओके। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। देखिए स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब था, कि डिविजन स्ट्रोक नहीं होगा और कोई एक डिजिट रिपीट करे, जैसे 4.010101 बार बार रिपीट कर रहा है, 5.12123 हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, देखिए 4 एज इट इज पॉइंट, अब देखना ध्यान से रिपीट क्या कर रहा है, 010101 जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसे एक बार राइट कर लीजिए, 01 रिपीट कर रहा है, रिपीट कौन कौन कर रहा है, 0 और 1, तो इसके ऊपर हम ये साइन लगाएंगे, इसको बोलते हैं बार। अगर 01 के ऊपर मैंने ये अंडरलाइन लगाई, इसका मतलब क्या है, बार, यानी कि 4 पॉइंट के बाद 01 रिपीट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैंने सिर्फ ये लिखा 1.01 और बार से ये 1 के ऊपर है तो मतलब 1 रिपीट कर रहा है, यानी बार जिस नंबर के ऊपर होगा वही डिजिट या नंबर रिपीट करेगा। इसमें क्या लिखे, देखिए 1212 रिपीट कर रहा है, 5.12 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार बंद नहीं लगाना, हमें सिर्फ 12 के ऊपर बार लगाना। इसमें क्या आएगा, देखिए 0 पॉइंट, अब इसमें देखिए 111 अगेन बार बार 1 रिपीट कर रहा है, तो केवल 0 पॉइंट हम यहाँ पे राइट कर सकते, 0.1 बार आ जाए। सेकेंड देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब यहाँ पर दो केस है, एक तो रिपीट करेगा नहीं और टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब पहली बार तो नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पे ही मिल जाए, मतलब आपको ये डॉट 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 का साइन लगा लो, मतलब डिविजन चलता जाएगा, स्ट्रोक नहीं होगा। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीटिंग है तो कोई इवन डिजिट या नंबर रिपीट करेगा या उसको बार मिलेगा, अगर रिपीट नहीं कर रहा तो ना तो कोई डिजिट रिपीट मिलेगी आपको ना ही बार मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5.10100100140 इंक्रीज होती चल जाए, मतलब यहाँ पे कोई नंबर या डिजिट रिपीटिंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और देखिए 1.12341071 1 9 2, अब देखना इसका मतलब तो है डॉट 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 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें देखिए, यहाँ से इस नंबर में आपको कोई पैटर्न देखने से पता नहीं चल रहा होगा, जैसे यहाँ पर पैटर्न पता लग रहा है 0101 1211 रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी पैटर्न आपको नहीं पता लगेगा कि कोई नंबर या डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको मत देखना 11 रिपीट हो, लेकिन इनके बीच में नंबर देखो, अगर ये भी रिपीट हो रहे हैं तभी हम टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते, लेकिन वो भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, तो तीन टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ी है, टर्मिनेटिंग मतलब वहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, डिविजन स्टॉप हो जाएगा और वहां पर इस तरह का डॉट का साइन नहीं मिलेगा। फिर द जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसमें दो केस है, एक तो क्या है रिपीटिंग का और एक नॉन रिपीटिंग। पहली है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिविजन चल रहा है, रिपीटिंग मतलब कोई एक वैल्यू रिमाइंडर में बार बार रिपीट करे, रिपीट करें, के नेम से ही क्लियर है सब कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिविजन स्ट्रोक नहीं हुआ है, यानी डॉट का साइन मिलेगा आपको, और नॉन रिपीटिंग का मतलब इस तरह से कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करे। ओके, अब इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको आप नोट कर लेना और उसके बेस पर हम बताएंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर
आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ओके, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसी का एक बार फ्लो चार्ट बना देते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप है, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप हमने यहाँ पे बताया। फर्स्ट क्या है, जब रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा। रिमाइंडर जीरो के इक्वल मतलब क्या है, डिविजन स्टॉप हो जाएगा, डिविजन स्टॉप। और अगर डिवीजन स्टॉप हो गया तो मतलब डॉट 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 का साइन नहीं मिलेगा, और इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड केस क्या था, जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, डिविजन स्टॉप नहीं है, डिविजन non-repeating, जहाँ पे कोई भी digit repeat नहीं करेगा। अब इनके example देख लेते हैं। सबसे पहले non-terminating repeating का मतलब, एक तो dot मिलेगा आपको और कोई एक digit repeat, जैसे 5.123123123, यानी आपको कोई ना कोई pattern नजर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.123123123 repeat हो रहा है, तो इस 123 को हम बाहर लिख सकते हैं। और example देखिए, 0.10101010 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ से डॉट हटा लेता हूँ तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगी, टर्मिनेट वाली। इस चीज का ध्यान रखना, डॉट जहाँ पे मिल जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग, 0.10 इस डॉट पर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में देख लेते हैं, 1.123012300123000124 एंड सो ऑन। देखिए आपको देखने से लग रहा है कि ये 1 2 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके बाद जीरो देखिए, यहाँ पर 1 0 था, इसके बाद 2 0, उसके बाद 3, नंबर ऑफ जीरो बढ़ते चले गए, यानी कि वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और देखिए 1.10 1 00 1 000 1 40, इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी कैसी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग का, मतलब सिंपल है, टोट नहीं मिलेगा, 4.56 3.01 4 भी तो 4.0 लिख सकता हूँ, ये भी कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और देखिए 14.12591 8, ये भी कैसी है, टर्मिनेटिंग। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ 2-3 डिजिट होगी, डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, डॉट अगर मिल जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट नहीं मिला तो टर्मिनेटिंग। ओके, अब बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कौन होगा, इरेशन कौन होगा। अगर आपने किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट की और वो कैसी आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की केवल एक ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहां पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल। ये ध्यान रखना, रेशन नंबर के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डॉट का साइन नहीं मिलेगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, डॉट का साइन है और रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि डॉट का साइन भी है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये दोनों कैसी है, इरेशन नंबर। इनमें से अगर कोई भी एक मिल जाए तो वो होगा इरेशन नंबर, और अगर टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर हो जाएगा रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको बहुत सारे नंबर मिले तो इन एग्जांपल के बेस पर आप बता सकते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। बस आपको क्या देखना, दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे, वो आपको सोल्व करना। ओके।